चलिए तो अभी मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट का भी एक प्रॉब्लम कराता हूँ। अभी अभी दो प्रॉब्लम मैंने कैश बजट के आपको बतलाए हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर द प्रोडक्शन 10,000 यूनिट इन ए फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। मटेरियल पर यूनिट 70, लेबर पर यूनिट 25, वेरिएबल ओवरहेड 20, फिक्स ओवरहेड रुपीज 10 पर यूनिट, वेरिएबल 5 रुपीज, सेलिंग एक्सपेंसेस 13 जिसमें से 10% फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 107 रुपीज जिसमें से 20% फिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5 रुपीज, टोटल अमाउंट 50,000 है। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी फिक्स ही होते हैं। टोटल 155। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 10,000 यूनिट की है। अब फ्लेक्सिबल बजट ये है कि अलग अलग लेवल ऑफ कैपेसिटी आपको मेंशन करेगा, एक इन्फॉर्मेशन एक कैपेसिटी की वो देगा और दूसरे आपको बनाना पड़ेगा। देखिए दिखाता हूँ। प्रिपेयर ए बजट फॉर 6,000 यूनिट एंड 8,000 यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हमें 6,000 और 8,000 यूनिट का फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है, अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी का तैयार करना है। तो फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम ऐसा होता है, इसे सॉल्व कैसा किया जाता है चलिए देखते हैं। पहले तो दी गई इंफॉर्मेशन का कॉलम आप फिलअप कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपको। और सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल का अमाउंट वो पर यूनिट दिया है, देखिए 70 रुपीस, तो 10,000 से इंटू करने पर हो जाएगा 7,00,000 रुपी। इसके बाद में लेबर, लेबर का अमाउंट वो दिया है 25 रुपी, यानी कि 2,50,000 रुपी। पहले हम 10,000 यूनिट का कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन वो दिया था उसे हम फिलअप कर लेंगे पहले। इसके बाद में वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड है 20 रुपी, यानी कि 2,00,000 रुपी। इसके बाद में है फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड यह है 10 रुपीस, यानी कि 1,00,000 रुपी। यह फिक्स है इसीलिए इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद में है वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट देखिए 5 रुपये, यानी कि 50,000। इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस में थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये 10% फिक्स है और इसका मतलब 90% ये वेरिएबल हुआ। वैसे सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट देखिए, इन्हें 13 रुपये दिया, 13 रुपये यानी कि 1,30,000। अब 1,30,000 का 10% क्या होगा, 13,000 ओनली, और 90% होगा 1,17,000। अब ये 13,000 तो फिक्स है, इसे हम हर जगह लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी 20% फिक्स है तो वेरिएबल हुआ 80%। इसका अमाउंट है 7 रुपीस, 7 रुपीस यानी कि 70,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर। अब 20% होगा 70,000 का 14,000 और 56,000, 80%, 70,000 हो रहा 7 रुपये से, फिर उसका 20% 14,000, रिमेनिंग 56,000। अब ये 14,000 को आप हर जगह लिख लीजिए। इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरा फिक्स है, वो है 5 रुपये, 50,000 आएगा। अब ये 50,000 आप हर जगह लिख दीजिए। अब बाकियों को किस तरीके से कन्वर्ट करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 7,00,000 है अमाउंट, इसे डिवाइड कीजिए इसकी अपनी कैपेसिटी से, यानी कि 10,000 से। डिवाइड करने के बाद में इंटू कीजिए इसे 6,000 से, आप जिससे इंटू करेंगे वो आंसर आएगा 6,000 से, यानी कि 4,20,000।
इसी प्रकार 7 लाख को डिवाइड कीजिए 10,000 से और मल्टीप्लाई कीजिए 8,000 से, तब आपको आएगा 5,60,000। कभी कभी ये यूनिट में नहीं देके परसेंटेज में भी देता, तो 7 लाख को समझ लीजिए 100% है, तो 100 से डिवाइड कीजिए और 80% है तो 80% से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब दी गई इंफॉर्मेशन को दिए गए रेट से डिवाइड कर देना और इनटू कर लेना जो हमें पता लगाना है। अगर ये 60 है तो 60 से, 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते ही वो आंसर हमें आ जाएंगे। अब 2,50,000 का देखिए, डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 6,000, ये आएगा 1,50,000। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। अब ये दूसरा वाला आएगा, देखिए 2 लाख, फिर इसका देखिए 1,20,000, इसी प्रकार करते जाइए 1,60,000, फिर ये 50,000 का देखिए 30,000 और ये 40,000, फिर 1,17,000 का देखिए 70,200 और इसका देखिए 93,600, फिर 56,000 का देखिए 33,600, फिर इसका देखिए 56,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 8,000, आंसर आएगा 44,800। अब सबका टोटल ले लीजिए, तो इन सबका टोटल है 10,800,000, 12,75,400 और 15,50,000। ये हो गया आपका टोटल ओवरहेड। आप चाहे तो इसको यूनिट से डिवाइड करके यूनिट पर यूनिट भी मालूम कर सकते हैं। मतलब इसको 6,000 से डिवाइड करके पर यूनिट, इसको 8,000 से डिवाइड करके पर यूनिट मालूम कर सकते हैं। अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। डिवाइडेड बाई 6,000, तो ये पर यूनिट है 166.8, ये भी कर सकते हैं। 12,75,400 डिवाइडेड बाई 8,000, तब यह आएगा 159.425 और ये देखिएगा 155। इसको बोलते हैं टोटल ओवरहेड पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट। बस इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट सॉल्व किया जाता है।